और आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं, बढ़ते कोरोना की वजह से टेंशन हो गई है। कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक जारी है। यह आपात बैठक है। दरअसल इस वक्त एक बड़ी खबर है, देश में बढ़ते ओमिक्रॉन केस के बीच पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा। कुछ ही देर में ओमिक्रॉन पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक। बच्चों को वैक्सीन और बूस्टर डोज पर हो सकता है कोई फैसला। कोरोना पर काबू के लिए कड़े फैसलों पर भी चर्चा संभव। पीएम मोदी कंटेनमेंट जोन को लेकर भी अधिकारियों से कर सकते हैं चर्चा। ये जानकारी है, सीधे आइए ग्राफिक्स पे और उसके बाद मेरे सहयोगी कुमार कुंदन के पास में चलूंगा। प्ले ऑन करें जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जरा देखें तीसरी लहर को लेकर क्या है भारत की तैयारी, ये समझना जरूरी है। नाइट कर्फ्यू और कंटेनमेंट को लेकर केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कई निर्देश दिए। नंबर वन, ध्यान दीजिएगा, ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिवेट किया जाएगा। राज्यों को जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए कहा गया है। हॉस्पिटल में बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन इक्विपमेंट पर्याप्त हो। दवाओं के लिए इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करने का सुझाव। 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में तेजी से काम। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हुए कोरोना संक्रमित। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हल्के लक्षणों के साथ कोविड संक्रमित हुए अब्दुल्ला शाहिद। बड़ी खबर, अब्दुल्ला शाहिद ने ट्वीट करके घर में क्वारंटीन होने की खबर दी है। बूस्टर डोज समेत पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है अब्दुल्ला शाहिद। और एक और विस्फोट की हम बात कर रहे हैं और यह है कोरोना विस्फोट। कोरोना पर मीटिंग के बाद बोले सीएम केजरीवाल, इस वक्त की बड़ी खबर, रोजाना 3 लाख तक टेस्ट कराने की तैयारी। अरविंद केजरीवाल ने कहा मरीज अस्पताल में जाने के लिए जल्दबाजी ना करें। अरविंद केजरीवाल ने कहा होम आइसोलेशन को बेहतर कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा ऑक्सीजन को लेकर इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में 2 महीने की दवाओं का जो स्टॉक है वो पर्याप्त है। ओमिक्रॉन को लेकर सभी चिंतित है, अरविंद केजरीवाल ने कहा। इसी बीच एक बड़ी खबर और बता दूं मैं, 24 घंटे में देश में ओमिक्रॉन के 48 नए मामले सामने आ गए हैं। 17 राज्यों तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। 268 लोग देश में अभी तक ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन अभी इनमें से एक्टिव केसेस 268 नहीं है। इसमें से कुछ मामले हैं जो ठीक होकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 65 केस पाए गए। 57 ओमिक्रॉन केस के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर। तेलंगाना में ओमिक्रॉन विस्फोट, 14 नए मामले वहां आए। उत्तराखंड, हरियाणा में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये लगातार बढ़ रहा है। और अगर यहां पर आर नॉट वैल्यू की बात करें तो नीतू मैम, आर नॉट वैल्यू इसकी डेल्टा से ज्यादा बताई जा रही है।